बेगूसराय जिले में वेब पोर्टल के पत्रकार सुभाष कुमार की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी है। सुभाष कुमार को बदमाशों ने सच बोलने की सजा दी है। पत्रकार सुभाष कुमार को परिहारा ओपी क्षेत्र के खासू गांव में मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि 4 के संख्या में आए हमलावरों ने सुभाष पर गोली दागी थी। गोली लगने के बाद इलाज के लिए सुभाष को PHC में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल लाने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि बहुआरा क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 के साखू गांव निवासी सुभाष कुमार एक शादी समारोह में पिता और चाचा के साथ भोज खाकर वापस लौट रहे थे। इसी बीच साखू चौक के पास सुभाष के पिता और चाचा के साथ अन्य लोग आगे बढ़ गए, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने सुभाष के सिर पर गोली मार दी। इस घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। इतने देर में जय हम घटना निकाले चाहिए तय हल्ला सुन लिए वो छाड़ कर लेके दब के जाए जाए छे ताई गई गले गए एकरा देख लिए सब कर के सुभाष के मार दे। गोली कहां पर लगले है? गोली जो है जो हमरा घर के सामने सामने नहीं नहीं लगले है कहां पर गोली मस्तक पर छे गए घटना पीछे रीजन की है दुश्मनी पत्रकार से की दुश्मनी वार्ड में जीतले अभी सुभाष की हत्या की मूल वजह का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काले कारनामों का खुलासा करने की वजह से पत्रकार को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हमलावरों को फांसी की सजा देने की मांग की है। पत्रकार और पत्रकारिता तो जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि पत्रकारों के पास कलम के सिवा कुछ नहीं होता। और हम समाज में जो समाज प्रशासन शासन के में जो खामी है उसे मीडिया समूह उजागर करने का काम करता है। इसे कभी कभी अपराधी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ साथ नेतागण इसको व्यक्तिगत क्षति और या व्यक्तिगत मानहानि समझ लेते हैं, जिसके कारण पत्रकारों पर हमला बढ़ रहा है। बेगूसराय में यह पहली पत्रकार की हत्या है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि अपराधी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, फांसी की सजा उसे मिले और पीड़ित परिवार को एक सम्मानजनक मुआवजा मिले, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। यह हत्या इस हत्या से पत्रकारों का हौसला टूटने वाला नहीं है। हम उतने ही धारदार तरीके से कलम चलाते रहेंगे अपराधी के खिलाफ, नेताओं के बरबोलेपन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की खामियों के खिलाफ हमारा कलम चलता रहेगा, चाहे हमारी जान जाए या रहे। तो वही मृतक के पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को प्रेस क्लब में पत्रकारों ने श्रद्धांजलि दी। बेगूसराय में SP योगेंद्र कुमार ने भी पत्रकार को श्रद्धांजलि देकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। SP ने बताया है कि 4 अभियुक्त की पहचान कर ली गई है और स्पीडी ट्रायल के जरिए सभी को सजा दिलाई जाएगी। रात को हम लोग को सूचना मिली थी, जैसे सूचना मिली थी तो STPO बकरी और उनकी पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंची है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है। कुल मिला के 4 लोगों की वहाँ पहचान की गई है, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। सभी के घरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। STPO बकरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर दिया है और टीम लगातार अपने छापेमारी कर रही है और सभी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और इनको गिरफ्तारी करने के बाद हम लोग मामले को स्पीडी ट्रायल में भी ले जाएंगे और इन सभी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी हम लोग सजा दिलवाएंगे। देखिए, ऐसी कोई भी बात अगर हम लोग को सामने आती है तो हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। मैंने STPO बकरी को निर्देश दिया है कि सभी बिंदुओं की वो जांच करें और कहीं भी अगर कमी होगी तो उस पर ज़रूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसमें जितने भी अभियुक्त शामिल थे वो जो घटनास्थल है वहाँ से बहुत दूर के नहीं है, उन लोग का भी जो गाँव है कुछ ही किलोमीटर आसपास है, इसलिए सभी की पहचान हो गई है और सभी की गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी और हम लोग इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। देखिए, हत्या का कारण अभी 3-4 बिंदु हम लोग के सामने आए हैं और मैंने STPO को आदेश दिया है कि सभी बिंदुओं पर जांच करें। ये जांच का विषय है, हम लोग असली कारण निकालने के बाद ही आप लोग को बताएंगे।
पुलिस को जल्द से जल्द हथियारों को गिरफ्तार करना चाहिए, साथ ही जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हुए इस हमले को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।